आज मध्य प्रदेश की 10 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव का मतदान हो रहा है और कई किसान ऐसे भी हैं जो समर्थन मूल्य के गेहूं खरीदी केंद्र पर अपना नंबर न आने व उपज का वाहन लाइन में लगा होने से वोट नहीं डाल पाएंगे। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है और मतदान को देखते हुए आज 24 अप्रैल को सभी खरीदी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। 23 अप्रैल को जब एक निजी चैनल की टीम ने खरीदी केंद्रों का जायजा लिया तो किसानों का दर्द सामने आया। शुजालपुर के 19 गेहूं खरीदी केंद्रों पर कतार में लगे किसानों के वाहनों का नंबर न आने पर किसानों ने वोट डालने को लेकर खुद को असमंजस में बताया। किसानों का कहना था कि 2 से 3 दिन तक का इंतजार के बाद भी उनका नंबर खरीदी केंद्र पर नहीं आया और अब वे मतदान के लिए अपनी उपज लेकर गांव जाए और वोट डालने के बाद फिर लाइन में लगे, ये परेशानी भरा है। इसलिए खरीदी केंद्र पर ही वे अपना नंबर आने का इंतजार करेंगे और मतदान नहीं कर पाएंगे। जब अधिकारियों से इस बारे में सवाल जवाब किया गया तो सभी ने खुद को निर्वाचन के काम में व्यस्त बताकर बात करने से ही इनकार कर दिया। 5 अप्रैल का मैसेज था संभावित डेट और 19 तारीख का मेरे को कंप्यूटर वाले भैया ने बताया था कि 19 को आपका मैसेज आ जाएगा और आज 23 तक कोई मैसेज का ठिकाना नहीं है। कितने दिन से हो आप? 3 दिन से यहाँ पे। 21 तारीख के पड़े हैं। अब कब तोलने के रहे हैं? अभी क्या मालूम, बोल रहे हैं आज मैसेज वालों का तोलेंगे, उसके बाद यदि नंबर लगेगा तोलेंगे नहीं तो फिर पटक रखेंगे। अगर आज आपका माल नहीं तोला तो इस स्थिति में बस बिना मतदान रहेगा, हमारा मतदान बिना रह जाएंगे। मतलब यूएमएस टीवी के लिए शुजालपुर से पुरुषोत्तम पारवानी की रिपोर्ट।